सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए किसान कानून के विरोध में कर्नाटक से दिल्ली चलो के नारे के साथ ग्वालियर पहुंचा नागराज कलकुटकर, जिसके स्वागत में किसान एकता के सदस्यों ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर 6000 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे व्यक्ति नागराज का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। नागराज ने कहा, किसानों की फसलों को सही दाम मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए और किसानों को लेकर मैंने यह पद यात्रा शुरू की है। किसान नेता नागराज जी फूलबाग चौराहे पर आए हैं, हमने यहाँ उनका एक ऐतिहासिक स्वागत किया है। ये फूलबाग चौराहा वही चौराहा है जहाँ हम स्थायी मोर्चा लगाए थे, जिसे मैं कर्नाटक स्टेट के बालकोट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा MSc M.Tech और मैं एक जियो स्पेशल इंजीनियर हूँ, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता। और अभी मैं दिल्ली चलो करके एक पाद यात्रा कर रहा हूँ। ये पाद यात्रा ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे केंद्र सरकार जो नया 3 कानून लेके आए, कृषि कानून, उसके विरोध में और साथ में किसान का जो फसल है उसके लिए एक वैज्ञानिक और लाभदायक दाम मिलना चाहिए, उसके लिए सशक्त कानून बनाइए और किसान का आर्थिक जो स्तर जो बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण मांग रख के बैठे वो मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं सोचा उसके समर्थन में मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। और दूसरी कारण है हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजाप्रभुत्व है, अगर सरकार समझे कि जन विरोधी नीति लेके आता है, पॉलिसीज लेके आता है, उसको प्रश्न करना, उसके अगेंस्ट प्रतिभटना, हड़ताल या सत्याग्रह जो भी करने का हक संविधान हमको दिया है, जो किसान उधर जो बैठे अपना हक चला रहे हैं, अपने मांग रख रहे हैं, ये सरकार जो बनती है जनता से, उसको क्या है जनता की जो समस्या सुनने का उसका जिम्मेदार है और उसका कर्तव्य है। वो भूल कर सरकार जो आंदोलन करने बैठे, किसानों को बदनाम करने की जो काम कर रही है, ये किसान नहीं है, टेररिस्ट है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। और जब वो आंदोलन के लिए निकले थे तब रास्ते खोदना, पूरा देश और दुनिया देखा है कि सरकार ने क्या किया है। सरकार की इस आंदोलन को दबोचने का जो काम किया है उसको मैं विरोध करता हूँ, करते हुए मैं यात्रा कर रहा हूँ। और ये जो यात्रा है कर्नाटक के MM हिल्स, जो मलेमहदेश्वर हिल्स जो चामराज डिस्ट्रिक्ट के, उधर से शुरू करके कर्नाटक के 31 डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन करते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, थोड़ी सी राजस्थान और हरियाणा होते हुए मैं दिल्ली जाके किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही पाद यात्रा नहीं कर रहा हूँ, रास्ते में छोटा मोटा मीटिंग किसानों के साथ, संगठन साथ, पब्लिक के साथ और छोटा मोटा रैली करते हुए, जन जागृति करते हुए जा रहा हूँ कि जब जब डेमोक्रेसी के ऊपर ये सरकार क्या डिक्टेटर की जैसा बर्ताव करता है, वो हर एक नागरिक का जिम्मेदारी करते हुए बनता है कि अपना डेमोक्रेसी के बचाने का। ये 11 फेब्रुअर की ये यात्रा स्टार्ट हुई, सेकेंड कोविड लॉकडाउन था तो 2 महीने मैंने स्टॉप किया था, फिर 3 जुलाई को जो कंटिन्यू किया तब से रुका नहीं है। लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा है, अभी तक मैं 4800 किलोमीटर पाद यात्रा करते हुए मैं ग्वालियर पहुंचा हूं। अभी शायद और 350 किलोमीटर बचा है दिल्ली में। उधर 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू होकर 1 साल होता है, तब तक जाके मुझे सिंह बॉर्डर पहुँचा है। मैं अभी उधर अभी 3 बॉर्डर पे जाना है, गाजीपुर, टिकरी और सिंह बॉर्डर जाके मैं किसानों से मिलूँगा।